7m प्लस 1 इंटू 6 क्या हो जाएगा 6, तो 7m प्लस 6 इक्वल्स टू 2 4 जा 8m प्लस 2 2 जा 4। ठीक है, ये हमने क्या किया, अब देखो क्या करेंगे, m को अपन लेफ्ट साइड में ले आएंगे और बिना m वाले को कांस्टेंट m को राइट हैंड साइड में ले आएंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा 8m, यहाँ पे क्या 7m है लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस 7m हो जाएगा इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में 6 जैसा है वैसे लिखेंगे और ये जो 4 है लेफ्ट साइड का हम राइट हैंड साइड में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 4। ओके, तो 8 माइनस 7 कितना हो जाएगा 1m, ठीक है, और 6 माइनस 4 इक्वल्स टू 2, तो m की वैल्यू कितने आ गई है 2। ये क्या किए हैं बाई ट्रांसफोजिंग। हाँ बोलो मैम, हाफ ईयरली में जब 10 तक आ रहा है तो मैम उसमें आप 3 चैप्टर आयो। हाँ हाँ बोलिए मैम, आप चैप्टर 3 नहीं, क्या चैप्टर 3 नहीं हुआ आप लोगों का? नो मैम, नो मैम, मैम वो टेस्ट में शायद आने वाला, सॉरी, तो एक काम करते चैप्टर 3 नहीं लेते। हाँ ठीक है, चैप्टर 3 में से नहीं आएगा बेटा। ओके, हाँ आप लोग का नहीं हुआ था पक्का? यस मैम, बात से ली हूँ बेटा, ठीक है चैप्टर 3 नहीं आएगा, उन्होंने नहीं करवाया था। हाँ ठीक है ना, जो मैडम नहीं कराई होगी कोई बात नहीं है, तो चैप्टर 3 मैं नहीं लूंगी, ठीक है, टेस्ट में नहीं आएगा आपका। ओके मैम, ओके, हाँ तो अब देखिए आपका एम की वैल्यू कितनी आ गई है 2। ठीक है, अब वेरिफिकेशन करते हैं, तो क्या है पुट m इक्वल्स टू 2 इन लेफ्ट हैंड साइड, अपन लेफ्ट हैंड साइड में m की वैल्यू 2 रख के अपन सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड क्या है 7m plus 6 upon 4m plus 2। ठीक है, तो 7 into m की जगह क्या रखेंगे 2 plus 6 upon 4m यानी 4 into 2 plus 2, तो 7 2 जा 14 plus 6 upon 4 2 जा 8 plus 2, तो 14 plus 6 कितना हो जाएगा एड करने से 20 हो गया अपॉन 8 प्लस 2 10, अब 0 0 अपन ने कैंसिल कर दिए तो कितना बचा अपना 2, यानी क्या है आपका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने से आपका 2 आ गया जो कि क्या है राइट हैंड साइड, देखो राइट हैंड साइड, देखो राइट साइड में 2 दिया है ना, इस प्रकार से आपका वेरीफाई हो गया आंसर आपका बिल्कुल सही आया है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, एक्स माइनस मैम, एक्स माइनस, हाँ बोलो बेटा मैम, कौन सा एक्सरसाइज करा रहे हो? 12.1 पेज नंबर 165। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला, देखिए आप लोग बुक खोल के देखिए, बुक ओपन करो मैम, पेज नंबर 165, यस मैम मिल गया, ये देखो, देखो ये वाला है मिला, यस मैम, क्वेश्चन नंबर 4 मैम, 1 2 3 तो आप नहीं भेजे हो, नहीं भेजी हूँ, दो मैम नहीं, दो मैम नहीं, हाँ ठीक है आज भेज देती हूँ, भूल गई होंगी बेटा, हाँ ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, x माइनस 3 अपॉन x प्लस 2 इक्वल्स टू माइनस 3 बाय 7, इसमें फिर वही गिवन इक्वेशन है, इस x माइनस 3 अपॉन x प्लस 2 इक्वल्स टू माइनस 3 बाय 2, अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा 7 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, अब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 7 इंटू 1 7 1 जा 7x माइनस 7 3 जा 21 इक्वल्स टू ये माइनस है तो माइनस 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा माइनस 3x माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 3 2 जा 6। ठीक है, हमने क्या किया ब्रैकेट को सॉल्व किए और यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, अब देखिए कितना हो जाएगा 7x माइनस 21 इक्वल्स टू माइनस 3x माइनस 6, अब x को हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे और कॉन्स्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में ले आएंगे, तो 7x एज इट इज रहेगा माइनस ये राइट हैंड साइड में 3x है ना माइनस 3x लेफ्ट साइड में आ जाएगा तो प्लस 3x हो जाएगा,
इक्वल्स टू माइनस सिक्स एज इट इज रहेगा, प्लस ये आपका माइनस 21 है राइट साइड जाएगा तो प्लस 21 हो जाएगा, ठीक है। तो 7x प्लस 3x कितना हो जाएगा 10x, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस 21, 21 माइनस 6 ये अपोजिट साइन है ना, इक्वल प्लस 1 माइनस है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 21 माइनस 6 कितना हो जाएगा 15, और बड़े के साइन क्या है 21 जो कि प्लस है जो कि हमको लगाने की जरूरत नहीं है। तो 10x इक्वल्स टू 15, देयरफॉर x इक्वल्स टू 15 अपॉन 10, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। अब वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है। तो वेरिफिकेशन करने के लिए पुट x इक्वल्स टू 3/2 इन राइट हैंड साइड, हम ये लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है x माइनस 3 अपॉन x प्लस 2 है ना, ये वेरिएबल है ना कि नहीं, ये वेरिएबल है, इसी में x की वैल्यू हम रखेंगे, राइट साइड में तो क्या है कॉन्स्टेंट टर्म है, तो क्या हो जाएगा x माइनस 3 अपॉन x प्लस 2 जो कि लेफ्ट साइड है, इसमें हम x की वैल्यू माइनस x इक्वल्स टू 3/2 रखेंगे, है ना। तो पुट x इक्वल्स टू 3/2 इन लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है x माइनस 3 अपॉन x प्लस 2, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, ये 3/2 x की जगह हमने 3/2 रख दिया, माइनस 3 अपॉन x की जगह 3/2 प्लस 2। अब क्या करेंगे, ये आपका फ्रैक्शन है, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो इसको हम 3/1 भी लिख सकते हैं, है ना, 3/1, तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा 2 और 1 का हो जाएगा 2, तो आपका 2 हो गया, एलसीएम ले लिए तो क्या हो जाएगा न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 3 माइनस 3 2 जा 6, ये आपका एलसीएम का 2 है ना, तो 3 में 1 से इंटू होगा और इस 3 में क्या होगा 2 से इंटू होगा, 3 माइनस 6 अपॉन 2, और डिनोमिनेटर देखिए यहाँ भी आपका 2/1 लिख सकते हैं, तो एलसीएम आपका 2 हो गया, है ना, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 2 यानी 4, तो 3 प्लस 4 यानी 7, ये क्लियर क्लियर हो गया आपको ये वाला स्टेप, यस मैम, आ गया ना। तो अब देखिए 3 माइनस 6 क्या हो जाएगा माइनस 3 अपॉन 2, और ये डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 7 हो जाएगा 7/2। अब तो ये सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 3/2 इंटू 2/7, ये क्या हो जाएगा, ये डिवाइड फॉर्म में तो मल्टीप्लाई फॉर्म में क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा 2/7, 2 आपका कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा माइनस 3/7 जो कि आपका राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका वेरीफाई हो गया, यस मैम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 2y माइनस 5 अपॉन 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 3/13, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए क्या हो जाएगा, गिवन इक्वेशन इज क्या है आपका, क्या है इक्वेशन, 2y माइनस 5 अपॉन 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 3/13। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 13 इंटू 2y माइनस 5, ठीक है, क्लियर हुआ, यस मैम, है ना। तो ये 13 का न्यूमरेटर के साथ इंटू हुआ तो क्या हो जाएगा 13 इंटू 7y माइनस 5 इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पे 3 इंटू 3y प्लस 1 के साथ इंटू होगा तो हो जाएगा आपका देखिए 3 इंटू 3y प्लस 1, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे अपन, है ना। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 13 टू जा 26, y माइनस 13 इंटू 5 कितना हो जाएगा 13 5 जा 65 इक्वल्स टू 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9y प्लस 3 1 जा 3, ठीक है। अब देखिए इसको हमने ब्रैकेट सॉल्व किए हैं, है ना, तो क्या आ जाएगा ऑन सॉल्विंग ब्रैकेट्स, है ना, ब्रैकेट, ठीक है। हाँ अब देखिए आगे, अब उसके बाद में क्या है वाई वाई को एक साथ ले आएंगे तो ऑन चेंजिंग साइड्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए 26 वाई है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आपका 9 वाई है, तो इस 9 वाई को हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 9 वाई, और राइट हैंड साइड में एज इट इज 3 है वो ऐसे ही रहेगा, और ये माइनस 65 पे इधर जाके आपका राइट हैंड साइड में प्लस 65 होगा, ठीक है। 26 प्लस है 9y माइनस है तो अब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 26 माइनस 9 इक्वल्स टू 17y इक्वल्स टू 3 प्लस 65 कितना हो गया 68, देयरफॉर y इज इक्वल टू 68 अपॉन 17, तो आप 17 टेबल से डिवाइड करो, 17 1 जा 17, 17 4 जा
68, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4। अब आपका ये 4 सही है या नहीं इसको वेरीफाई करते हैं। तो पुट y इज इक्वल टू 4 इन लेफ्ट हैंड साइड। आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2y माइनस 5 अपॉन 3y प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने y इज इक्वल टू 4 रखेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड 2y माइनस 5 अपॉन 3y प्लस 1। ठीक है, तो 2 इंटू y की जगह हमने 4 रख दिया, माइनस 5 अपॉन 3 इंटू y है, यहाँ पे 4 रख दिए। मैम ये 9 है कि 2 है? ये 9 है बेटा, ओवर राइटिंग है ना, इसको दिखाई नहीं दे रहा है। ओके मैम, ओ सॉरी बेटा, ये 2 ही है। 2 है, 9 नहीं, 2 है, 2 है। ठीक है, ये यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ, है ना, 2 इंटू 4 माइनस 5 अपॉन 3 इंटू 4 प्लस 1, 4। ठीक है, तो 2 फोर जा 8 माइनस 5 अपॉन 3 फोर जा 12 प्लस 1। ठीक है, यस मैम, यस मैम, सॉरी 8 माइनस 5 इक्वल्स टू 3, 12 प्लस 1 इक्वल्स टू 13, 3 बाय 13। मैम 3, हाँ मैम, जहाँ पर जैसे 2y और 3y है तो y की जगह पे आंसर आएगा ना, जैसे मैम आंसर 4 है तो y की जगह वैल्यू पुट करो ना, y नहीं रहेगा, वैल्यू पुट कर दो y की जगह, जो वैल्यू निकली है ना उस वैल्यू को रख दो, तो आपका पूरा क्या है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ओके मैम, तो 8 माइनस 3 कितना है, 8 माइनस 5 3 हो गया और 12 प्लस 1 13 हो गया, और यही क्या है आपका राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड देखो क्या है, 3 बाय क्या है 13 आ गया आपका, 3 बाय 13, यस मैम, राइट हैंड साइड हो गया, यानी आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, समझ में आया बेटा, कोई डाउट है किसी को? नो मैम। अच्छा समझ में आ गया ना बेटा? यस मैम। आज मैं आपको पूरा क्वेश्चन 5 तक, 1 से लेके 5 तक भेज देती हूँ। ठीक है, यस मैम, यस मैम, आप में कुछ करोगे? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करना, के की वैल्यू इसमें निकालना है, 6 वाला कर लो, 7 मैं बता दूंगी। ठीक है, केवल एक कर लेना क्वेश्चन नंबर 6। ओके ओके मैम, यस मैम, हाँ बिल्कुल, जो अभी तक जितना किए हैं ना क्वेश्चन 1 से 5 तक, वो सब आपको ये आप हिंट मिल गया है, आप लोग कर सकते हैं। चलिए अब अपना व्हाट्सएप में मैं क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक भेज देती हूँ, एक्सरसाइज 12.1 के। ठीक है, एग्जांपल्स वगैरह तो पहले भेज दिया था मैंने। ठीक है, हाँ तो व्हाट्सएप से आप लोग देख लेना और लिख लेना। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? कोई भी डाउट है? हाँ चलिए मैं अभी भेज रही हूँ। हाँ ओके मैम, हाँ बोलिए, ये हाफ ईयरली का जो होने वाला है उसका रिवीजन नहीं है क्या? अभी देखिए, अभी देंगे, बाद में देंगे, लेकिन अभी टाइम है बेटा। हाँ ठीक है मैम, आप लोग अपना पढ़ाई बकायदा बनाए रखिए, खूब डेली पढ़ते रहिए। ठीक है, यस मैम, जब रिवीजन का समय आएगा तो रिवीजन कराएंगे ना बेटा। ठीक है, यस मैम, चलिए, हाँ ओके बेटा।